बेगूसराय में छापेमारी के दौरान मारपीट के आरोपी के परिजनों ने पुलिस पर गाली गलौज करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। मारपीट में घायल दो लड़की और एक युवक के लाश के लिए सदर अस्पताल पहुंचे हैं। दरअसल लाखो थाना क्षेत्र के पंचल्ला गांव निवासी मनोज सिंह पर उनके पड़ोसी के राजेश कुमार ने कुछ दिन पहले मारपीट का मामला दर्ज कराया था। इसे को लेकर आरोप है कि पुलिस आज मनोज सिंह को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची थी, लेकिन मनोज सिंह घर पर नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने मनोज सिंह के दो बेटियों और बेटों के साथ गाली गलौज करने लगा। जब इसका विरोध परिजनों ने किया तो आरोप है कि पुलिस ने दोनों बेटियों के साथ और उसके बेटों के साथ जमकर मारपीट की। घायल अवस्था में दोनों लड़की और लड़का इलाज कराने अस्पताल पहुंचे। लड़की का आरोप है कि पुलिस ने जमकर गाली गलौज की और विरोध करने पर मारपीट कर सभी के कपड़े तक फाड़ दिए और वह इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंची है। बीटी न्यूज से विजय कुमार की रिपोर्ट। बोल रही थी ना सर प्लीज नहीं मारिए, उसको उठा के पैर खींच के उधर आंगन में फेंक दिया। स्थिति बहुत खराब है सर, अभी भी दिखाएगी ना तो रिपोर्ट आएगा ना, तो देखिएगा ऐसा ज्यादा लगा है सर, कैसे लड़की है कैसे हम बता सकते हैं, पर मारा है बहुत। जब वीडियो बना रहे थे ना तो बहुत छीन गए, बोलते माता चतरंग ने एग्जांपल तो वीडियो बनाएगी। मेरा भाई का पैर टूटा हुआ है सर, मनीष कुमार के यहाँ दिला चल रहा है, बोले सर इसको नहीं मारिए, पैर लटक गए, तब देखिए क्या किया, खींच के मारे, बोलते तुमको पर्दे के पावर दिखा देंगे सो, बोले पर्दे तब तो वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू, एचडीयू, ओटी, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का, आईटीआई, NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।